नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छा, आप मुझे एक बात बताएंगे, आप लोगों को घूमना पसंद है तो आप कहाँ कहाँ घूमने जाते हो? नानी के घर? नानी के घर तो छुट्टियों में जाते हैं। और सामने वाले पार्क में? अच्छा ये बताओ, छुट्टियों में और कहाँ कहाँ जाते हो जब गर्मी की छुट्टियां पड़ती हैं? नाना के घर? अच्छा नाना, आपके नाना जी का घर कहाँ पर है? दिल्ली में ही है। अच्छा कभी कोई गांव भी गया है? किसी की नानी हर गांव में रहते हैं? अच्छा बुआ रहती है गांव में, तो आपने तो फिर बुआ जी का गांव घूमा होगा। आपको वहां पर क्या क्या दिखाई देता है? गाय और पेड़ पौधे। अच्छा वहां के घर कैसे होते हैं? मिट्टी? वेरी गुड। कुछ कच्चे घर भी होते हैं और कुछ पक्के घर भी होते हैं। अच्छा अभी यहाँ पे किसी का मन कर रहा है कि हम यहाँ पे बैठे बैठे एक बार गांव घूमाए? पर कैसे? सोचो सोचो। जादू से हम आज यहाँ पर बैठे बैठे गांव घूम कर आएंगे, लेकिन एक कविता के माध्यम से। और पता है हमारी उस कविता का नाम क्या है? चकई के चकदुम। तो आप सभी मेरे साथ गाना पसंद करेंगे? ओके। चलिए तो आज हम सभी गांव घूम कर आते हैं। चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, चकई के चकदुम। गांव की मड़ैया साथ चले हम तुम, गांव की मड़ैया साथ चले हम तुम, चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, चकई के चकदुम। कागज की नैया पार करे हम तुम, चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, चकई के चकदुम। फूलों की बगिया, फूल चुने हम तुम, चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, चकई के चकदुम। खेल खत्म भैया आओ चले हम तुम। अच्छा हम सब कहाँ पर आ गए वापस? वेरी गुड। अच्छा हम अभी जिस गांव में घूमने गए थे तो वहां पर बच्चे क्या क्या कर रहे थे? नाव। तो वहां पे नाव। अच्छा तो आपको पता है क्योंकि कविता में तो नैया शब्द आया था, तो हम नैया को क्या कहते हैं? नाव। अच्छा एक और शब्द आया था गांव की मड़ैया। कोई बताएगा मड़ैया क्या होता है? घर। और वो कैसा घर होता होगा? उसको हम और क्या कहते हैं? कच्चा घर। वेरी गुड। और खत्म का मतलब क्या हुआ? फिनिश होना। हिंदी में हम उसे कैसे लिखते हैं? समाप्त। अच्छा इसमें एक शब्द और आया था चकदुम, उसका क्या मतलब होता है? ऐसे शब्दों का कोई मतलब ही नहीं होता, तो हम उसे तुक मिलाने के लिए यूज कर लेते हैं, जैसे चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, और आओ साथ चले हम तुम, साथ रहे हम तुम। तो हमने किस किस का तुक मिलाया? दुम और तुम का। तो हम इन्हें कैसे शब्द बोलेंगे? तुकबंदी वाले शब्द। तो आप ऐसे और शब्दों के बारे में सीखना चाहेंगे? मैं एक शब्द बोलूंगी,
उससे अगला बच्चा उसके साथ तुक मिलाएगा। करिश्मा, मैंने आपके लिए शब्द बोला शोर, तो मोर, और कोई? चोर, और कोई? जोर, और कोई? भोर। अच्छा, कोई और शब्द सोचो। नाव, फिर पाव, वेरी गुड, और दाव। तो हम शब्दों के जब तुक मिलाते हैं उनको कैसे शब्द बोलते हैं? तुकबंदी वाले शब्द। अच्छा, अब कुछ बनाकर देखते हैं। जैसे हम गांव घूमने जा रहे थे अपनी कविता गाते गाते, तो आपके दिमाग में या आपको ऐसा लग रहा था कि हम गांव ही पहुंच गए हैं, तो थोड़ा सा बनाकर देखो। गांव की मड़ैया, साथ रहे हम तुम। कौन बनाएगा इस दृश्य को? अच्छा, अपनी अपनी कॉपी पे बनाओ कि आपकी मड़ैया कैसी है और वहां पे आप कैसे रह रहे हैं। गांव की मड़ैया, किसी ने मेरे जैसी झोपड़ी बनाई है, मेरे जैसी मड़ैया बनाई है। ओके, एक और था, कागज की नैया। अच्छा, सबको नाव बनानी आती है, तो आप सभी कागज की नाव बनाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे या अपने घर जाकर बनाएंगे? अच्छा, एक क्वेश्चन और है मेरा आपके लिए। कागज की नैया पार करें हम तुम, क्या हम सच में कागज की नाव को पार कर सकते हैं? क्यों? तो हम उस पर बैठ ही नहीं सकते। तो एक बात बताओ, कागज की नाव को कौन कौन पार कर सकता है? वेरी गुड, मच्छर, कॉकरोच। ओके, तो अब आप इस कविता को आगे बढ़ाना चाहेंगे? जैसे आप अपने घर पर इसको आगे बढ़ा सकते हैं, आप अपने घर पे चलते हैं। चकई के चक दुम, चकई के चक दुम, अम्मा की रसोई, वहां पे क्या करते हैं? वेरी गुड, तो हमने इस कविता को आगे बढ़ाया। तो आज आपके लिए, आप सब घर पे जाकर अपने दोस्तों के साथ खेल खेल में इस कविता को आगे बढ़ाने का प्रयास करना, और कल अपनी अपनी कविता सुनाएंगे। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।